Assalamualaikum. Namaste kimcho and welcome to channel mujhe kehte hain Almi. Aur mera naam hai Maheen. Aap dekh rahe hain Blast Reactions. Tumhe subah subah kisne kaata hai? Kisne chheda hai tumhe? Nahi yaar, main batao. Sirf naam bata do uska jisse tumhe chheda. Main bilkul sahi hu aur tum log kaise ho? Warna sab bolenge ye har video mein na ye aise badi bhi hoti hai. Ji nahi, main aise nahi baithi hu. Full energy ke saath baithi hu. So, आज की वीडियो में हम ये कहने वाले हैं पाकिस्तानीज आर सेवेज पार्ट 7 और इसका इसके इतने पार्ट्स आ चुके हैं सब पे ऑब्वियसली हमने रिएक्ट नहीं किया. अगर आप लोग चाहते हैं कि हम और पार्ट्स पे पिछले पार्ट्स पे रिएक्ट करें तो आप हमें बताएं. बट हमने कुछ भी किया बट क्योंकि ये रिसेंट वीडियो है, ये अभी अभी आई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रिसेंट वाली वीडियो को ले लिया जाए और इस पे ही रिएक्ट कर लिया जाए. अच्छा, इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, इस चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है. बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस आए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. रोजाना जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए. बिल्कुल बिल्कुल, और आप उसको देखें, एंजॉय करें. सो दिस वीडियो इज गोना बी गुड, सो लेट्स स्टार्ट. हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड. आज हमारे साथ है ऑफ कोर्स द लेजेंड, द मिथ, द मैन हिमसेल्फ, शायर रूपीज इन द हाउस, लुकिंग जाकिर खान. ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग सर भाई. वी हैव ओजी वेटरन राइडर ओपी एज वेल. वी ऑफ कोर्स हैव अ मैग्नानिमस स्टडफुल द स्टड मफिन शायर ओपी इज हियर ऑन अ मूवी सेट टुडे. शायर ओपी वेलकम. क्या शूट कर रहे हो भाई सर, बता दो जनता को. अभी यार मैं एक तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पैसे दिए उन्होंने. एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, आज हमारे पैनल पे है नए एंट्रेंट. जनता की डिमांड से हमारे साथ आए हैं विराज गिलानी, एके क्रिएटर. वेलकम विराज भाई. ओके, क्रिएटर वेलकम विराज भाई. क्यों आपका नाम क्रिएटर क्यों चुना? एक घंटा सोचा मैंने इसके बारे में कि मेरा नाम ब्रदर होना चाहिए. वाओ, ये वो है ना, फील्ड कॉपी में आते हैं विराज. नो, आई आई डोंट नो. ये तो गंदे में गंदे में जा रहा है आपका यार. ये बचपन वाली वीडियो में भी होता है. बहुत बड़ी प्यारी चीज है, उसके पास हीरा होगा वो फिर भी मुंह कचरे में मारेगा. और सुनाओ जनाब, कैसी हो? कंफर्म क्या की है,
गर्दन पे ही और उसकी खराब बनियान तक विजुअलाइज हो गई। टेक्स्टिंग में कुछ एप्रिसिएशन नाम की कोई चीज है कि नहीं है। अगली भी लिख रही है रिमूव माय शर्ट, ये बोलते अपने आप को पता नहीं क्या हीरो समझ रहे हैं। इसका पहले दो मुआमा में हो गया था इसलिए उसका मूड बदल गया और वो दूसरे मुआमे थकान भी है। आपको एक्सपर्टीज है इसमें ना, मैं खुलवाता हूँ ना। लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? इंस्टा। अबे पूछ चुके लकड़ियाँ लड़कियाँ नहीं। इंस्टा इंस्टा बात बताओ क्या मैं शो ऑफ हूँ? तुम मुझे एक बात बताओ जी, तुम्हारे पास क्या है शो ऑफ करने के लिए? You can't just make claim, you have to give proof. See, when you tell girl, call me daddy, you have to be like daddy first. You can't just make these demands. Thank you for watching. No idea. यार चाचू चाची को इतने जोर से पप्पी करते आवाज मेरी कमरे तक आती है, मैं क्या कर रहा हूँ? चाची की तो शादी हो गई, तो चाचू चाची को डैडी क्यों बुलाना चाहते हैं? Oh no! आपने वो देखा है हेमा मालिनी वाला वीडियो? कौन सा?
अच्छा वो बोलते कि आ किसी ने मेरे हाथ में लैंड रख दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ. टॉकिंग अबाउट द लैंड. अरे मेरे हाथ में लैंड आ जाएगा देन आई विल बी गिविंग. आज मैं बहुत सैड. व्हाट इज दिस. इस मैसेज के दो टाइप के रिप्लाई हो सकते हैं. पहला वाला है हट बुस्टिक, दूसरा वाला है चल बुस्टिक. कितनी देर है भाई. सर बस दो मिनट, पांच बंदे बिठा लोगे. नहीं कार है आपके अपर जान की बस इसमें एक चल बुस्टिक मिसिंग है. हेलो हाय इसके आगे नहीं आता मुझे. मैं और बर्दाश्त नहीं, अगर ये और लंबी होती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. बहुत ज्यादा ही फनी हो गई वीडियो और काफी मतलब इनकी टीम को भी कहनी माननी पड़ेगी बात. बच्चों के देखने वाली पर तुमने देखी. खैर क्या कह सकते हैं, मुझे पता ही नहीं था ना अंदर क्या कौन से जोक्स होंगे. खैर मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी इनकी टीम को 18 प्लस नहीं आ गया था. इनको लिखना चाहिए था वीडियो के टाइटल में 18 प्लस. खैर ऐसी भी कोई 18 प्लस बात नहीं थी बट खैर
जोक्स थोड़े से थे ऐसे, बट मैं क्या कह रही थी, मुझे भुला दिया. मैं कह रही थी कि इनकी टीम को भी मानना पड़ेगा क्योंकि काफी इन्होंने सर्च करके ढूंढ के निकाली है ऐसी ऐसी चीजें जो कि वाकई सैवेज थी. और ये बात तो मेरा ख्याल ये जो कॉन्वर्सेशन, ये इंग्लिश उर्दू वाले जो जोक थे ना उस पर मैं अग्री करूंगी कि इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन ये जो इस तरह की जो चीज इंडिया में भी होती है, इंडिया में भी अग्री है, मैं इस चीज के ऊपर वो नहीं करूंगी. इंडिया के अंदर भी जो है ये सेम चैट्स अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेंगी, इससे ज्यादा इंटेंस मिलेंगी. हाँ, कुछ भी नहीं थी. हाँ, कुछ भी नहीं थी. ये बात भी मैं मानूंगी कि ये जो इन्होंने, हाँ, ये जो बात थी ना, लड़की हो या फीमेल, ये इंडिया में मेरा नहीं ख्याल देखने को इतना मिलेगा क्योंकि लोग अवेयर है, लिटरेसी रेट भी अच्छा है और वो. लेकिन ये वाली जो चैट्स है, हाँ, ये तो काफी हद तक था फीमेल या लड़की, बट वो खुद से नहीं एडमिट करना चाह रहे थे, कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे कि आप बॉय हो या नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव लाइक बॉय और फीमेल. वो ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ. तो खैर इनकी मानना पड़ेगा, बड़े ढूंढ ढूंढ के इन्होंने ऐसे ऐसी चैट्स लेके आए थे जो वाकई सेविज थी. और ये बात भी माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी जो है वाकई में सेविज होते हैं. हम लोगों में इतना ह्यूमर भरा हुआ है, इतना भरा पड़ा है, हम किसी प्रॉब्लम में हो, किसी ऐसी सिचुएशन में हो, तब भी हम कोई ना कोई ऐसी फनी बात ले आते हैं. तो मुझे लगता है कि ये बात सही है और इसको मानती मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान इस मामले में काफी हद तक जो है वो आगे पीछे. काफी चीजों में हम लोग एक चीज है जिसमें थोड़ा सा मुझे लगता है नहीं है, वो है इंग्लिश, क्योंकि हमारे इंग्लिश में हमारे इंग्लिश की बहुत कमी है. वहाँ पे नहीं है वो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लिटरेसी है. ये बात हो गई. सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. बहुत लंबी हो चुकी है. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छी लगी वीडियो. कुछ कुछ मोमेंट्स पे तो मैं सोच रही थी मैं क्यों देखने बैठ गई हूं, बट बहुत ज्यादा हो गया था बट ओवरऑल जिस तरह वो पढ़ते हैं ना, मुझे उनका एक्सेंट बहुत अच्छा लगता है. जिस तरह वो पढ़ते भी, वो इमोजी नहीं होते आगे, लड़कियों के सेंस में पढ़ते हैं, इमोजी नहीं होते आगे, लेकिन उनको पता होता है किस वे में बोला है, वो उसी वे में पढ़ते हैं. हाँ, उसी वे में पढ़ते हैं. ये करो ना तुम, ये करो, हाँ, इस तरह से वो बिल्कुल सारे रिसर्च करते हैं पहले, वो उसको तैयार करते हैं, फिर वो प्रेजेंट करते हैं. सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. बड़ा मजा आया, आपको भी आया होगा. और या फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, काफी लंबी हो गई ये वीडियो. सो या बाय.